जो है लगा सकते हो गैस अगर आपके घर पर फ्रेश एलोवेरा है तो आप फ्रेश एलोवेरा ले सकते हो तो अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप जो है एलोवेरा का एलोवेरा फेस पैक ला सकते हो कॉस्मेटिक की दुकान पे आप जाएंगी वहाँ पर आपको मिल जाएगा और नहीं तो गैस अगर आपके पास है आप घर पर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जो है आप वो भी ले सकते हो तो देखिए गाइस मेरे घर पर फ्रेश एलोवेरा जो है इसको ये देखे उसके बाद में मैं एक पत्ती इसको यहाँ से निकाल रही हूँ ये देखिए गाइस जैसे जैसे मैं निकाल रही हूँ आप भी ऐसे ही इसको एक पत्ती निकाल लीजिए ये देखिए गाइस गाइस अगर आपको अपने फेस पे गर्दन पर या अपने हैंड पर भी इसको लगानी है तो आप बड़े पत्ते भी ले सकते हो तो देखिए मैं अभी आपको अपने हैंड पर लगा के दिखाऊंगी कि आप लोग कैसे इसको लगानी है तो मैं इसलिए छोटा सा पत्ता ले रही हूँ तो ये देखिए गाइस उसके बाद में इसको आपको अच्छे से जो है मिट्टी से लगी रहती है ना इसको आपको अच्छे से पानी से धुल लेनी है और जो है साइड जो साइड की होती है ना ये एलोवेरा जो उसको निकाल देनी एलोवेरा में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होती है गाइस ये मॉइस्चराइजर है दाग धब्बे छियाँ चूरियाँ हैं ये सब दूर कर देता है तो अगर आपके फेस पे ऐसे मुहासे हैं दाग धब्बे हैं छियाँ छूरियाँ हैं ये सब दूर कर देगा रात रात को गाइस इसको आप लगा के सो भी सकते हो अगर एलोवेरा भी आप अपने फेस पर भी लगा सकते तो हो बालों में भी इसको लगा सकते हो तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे सब पहले मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग जो है इसका फेस पैक कैसे बनाते तो हो तो गाइस जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र हैं दाग धब्बे हैं छइया छूरियाँ हैं वो लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या लगा कि मेरे फेस जो है ठीक हो जाए ऐसे ही सॉफ्ट सॉफ्टवेयर ड्राइनर है तो गैस मैं बताऊंगी कि आप लोग जो है बेसन का फेस पैक कैसे बना सकते हो क्योंकि क्यों गैस देखिए गर्मियों का मौसम आ रहा है बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर हो जाती है तो गैस आप ये फेस पैक घर पर पाँच मिनट में ईजिली तरीके से बना के अपने फेस पे लगा सकते हो बेसन में भी गैस बहुत ही प्रोटीन जो है ये बहुत ज़्यादा मिलती है इसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो देखिए गैस ये बेसन भी हर किसी के घर पर होता है आपको बेसन ही नहीं उसके बाद में गैस ये देखिए अब मैं एक छोटा सा बोल लूँगी उसी में मैं एक चम्मच लूँगी बेसन ये देखिए गैस तो मैं थोड़ा सा इसमें बेसन ले रही हूँ आप ऐसे ही एक चम्मच बेसन ले लीजिए तो देखिए उसके बाद में गैस मैं, मैं बताऊँगी इसका पैक कैसे कैसे बनाते हैं गैस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो मेरी वीडियो आप तक तो पहुँचते और आप लोग देख सकें तो देख सकते हो तो गाइस अब मैं बताऊंगी कि आप लोग फेस पैक कैसे बना सकते हो उसके बाद ना गाइस आपको लेनी थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी तो देखिए गाइस आपकी जो किचन की हल्दी होती है हो, उसको मत लीजिएगा आपको लेनी है कस्तूरी हल्दी कस्तूरी हल्दी होती है ये भी बहुत ही फ़ायदा करता है आपको थोड़ा सा इसमें कस्तूरी हल्दी लेनी है तो देख सकते हो तो, गाइस आप थोड़ा सा ही लेना है क्योंकि गाइस अगर आप ज़्यादा हल्दी लेंगी तो आपकी जो फेस है उसमें ज़्यादा येलो कलर हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा इसमें कस्तूरी हल्दी लेनी है उसके बाद में आपको इसमें ऐड करनी है रोज वाटर तो ये देखिए गाइस अब रोज़ वाटर में लूँगी रोज़ वाटर जो होता है गाइस ये भी बहुत ही फायदा करता है जैसे कि बहुत तो, जैसे बोतलों लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है छियाँ छुरियाँ मुंहसे हैं दाग धब्बे हैं ये सब दूर कर देता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ले रही हूँ इसमें जो है ये देखिए रोज़ वाटर उसके बाद में गैस अब मैं लूँगी इसमें एलोवेरा तो देखिए अब मैं इसको जो है एलोवेरा का जो साइड का जो ये देखिए दोनों साइड से सा आपको निकाल देंगे क्योंकि गैस साइड में जो होते हैं कांटे काटे से होते हैं ना इसलिए आपको दोनों तरफ से ऐसे ही साइड की जो है सारी निकाल देनी है तो देखिए गाइस जैसे मैं निकालू ना आप भी ऐसे ही निकाल दीजिए देखिए गाइस मैंने दोनों साइड के निकाल दी उसके बाद में ये देखिए ऐसे ही दोनों साइड के आपको निकाल देनी है उसके बाद में ऐसे ही फिर ऊपर के साइड से भी आपको निकाल देनी है तो देखिएगा जिससे मैं निकालू ना आप भी ऐसे ही निकालिए गाइस इसको आप पाँच मिनट पर घर पर ईजली तरीके से बना के अपने फेस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो तो देखिए गाइस ये देखिए ऐसे कितने अच्छे से निकल रहे हैं ना और गैस आप जो है एलोवेरा जो है एलोवेरा अपने फेस पर भी इसको लगा लगा सकते हो आप जो है हफ्ते में इसको दो तीन बार लगा सकते हो गाइस बहुत लोग ऐसे होते तो हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता है पार्लर जाने के लिए तो बोलते रहते हैं कि हम लोग क्या लगाएं कि हमारे जो फेस है सॉफ्ट वेर ड्राइनर तो गाइस ये फेस पैक आप घर पर ही बना के अपने फेस पर भी लगा सकते हो देखिए गाइस क्योंकि ये देखिए आप ये फेस पैक बना के लगा के अपने फेस पर भी आपकी जो फेस है बहुत ज़्यादा ग्लो करेंगी गाइस ये मैं फेस पैक अपने तो ये देखिए गाइस मैं अभी आपको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि आप लोग कैसे इसको अप्लाई करते हैं तो देखिए गाइस जैसे इसमें निकाल ना ऐसे ही आप भी निकाल लीजिए उसके बाद में अब इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर तो मैं इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करूंगी गाइस इसको जो है फेस पे अपने फेस पे आप लगाएंगे ना आप हफ्ते में दो तीन बार लगाएंगे तो आपको जो है पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं और घर पर ही आप इजिली तरीके से अपने फेस पर लगा सकते हो देखिए गाइस मैं अब थोड़ा सा ले रही हूँ क्योंकि आप क्योंकि गाइस देखिए कि हमारी जो फेस होती है हैंड होती हो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर हो जाती है बहुत धूप में हम लोग सोचते हैं कि निकलने कैसे अपने फेस को बचाए रखते हैं तो आप गाइस ये फेस पैक लगा सकते हो ये देखिए गाइस उसके बाद में आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेनी अगर आपको लगे कि आपकी रोज़ वाटर कम लग रही है तो आप थोड़ा सा इसमें रोज़ वाटर और ऐड कर सकते हो आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी है तो देखिए गाइस मैं थोड़ा सा मुझे पानी रोज़ वाटर कम लग रहा था तो इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर ली हूँ उसके बाद में आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेनी है ये देखिए गाइस जैसे जैसे मैं मिक्स करूँ आप भी ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि आपके फेस पैक जो है अच्छे से बन के रेडी हो जाएँ तो देखिए गाइस मेरी फेस पैक जो है ऐसे ही आपको बनाते रहना है तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो मेरी वीडियो है आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँचती रहे और आप लोग देख सकें तो देखिए गाइस मेरी फेस पैक बन के रेडी हो चुकी है अब मैं अभी जो है अपने फेस पैक अपने हैंड पर लगा के दिखाऊंगी कि आप लोग कैसे इसको लगा सकते हो तो ये देखिए गाइस गाइस अपने फेस पर अभी आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो मैं अभी जो है अपने हैंड पे लगा के दिखाऊंगी कि आप लोग कैसे इसको लगा सकते हो ऐसे ही फेस पैक आपको बनानी है और पाँच मिनट में फेस पैक जो है आपका घर पर बन रेडी हो जाएगा आप चाहे तो गाइस इसमें हनी भी ऐड कर सकते हो मैं हनी बिल्कुल अभी नहीं ऐड कर रही हूँ आप हनी भी ऐड कर सकते हो अगर आपको शोट करता है तो आप थोड़ा सा हनी इसमें ऐड कर सकते हो तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं हैंड पे अपने लगा के दिखाऊंगी कि कैसे कैसे इसको आप लोग लगा सकते हो तो देखिए ऐसे ही अपने हैंड पे अच्छे से ऐसे लेनी है एक हैड से ले लीजिए उसके बाद में अपने हैंड पे ऐसे ही आपको लगानी है आपको इसको ऐसे ही पंद्रह से बीस मिनट ऐसे ही मसाज करते रहना है ये देखिए गाइस ऐसे ही पंद्रह से बीस मिनट आप मसाज करते रहिए ताकि जो आपकी जो है सारी जो गंदगी है सारे अच्छे से निकल जाएंगी ये देखिए गाइस जैसे समय मसाज करना आप भी ऐसे ही मसाज कर लीजिए उसके बाद में इसको आपको जो है नॉर्मल पानी से ऐसे ही अच्छे से धो लेनी है, है अपने हैंड को मैं आप ही देखिए गाय जैसे समय करना आप भी ऐसे ही कर लीजिए तो गाइस आप मेरी वीडियो अपने रिलेशन में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें तो देखिएगा इस मेरी जो है मसाज कर ली उसके बाद में आपको इसको पानी से धुल लेनी है ये देखिएगा इस मैंने धुल ली उसके बाद में आपको एक कॉटन के कपड़े से अपने हैंड को अच्छे से साफ कर लेनी है तो देखिएगा इस मैं एक कॉटन के कपड़े से अपने हैंड को अच्छे से साफ कर ली तो देख सकते हैं गाइस मेरे हैंड जो कितना ज़्यादा सॉफ्ट कर रहा है तो गाइस अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए घंटी वाला बटन ऑन कर दीजिए ताकि जो मेरी वीडियो है आपको खुश रहे और आप लोग देख सकें चलेगा इसमें तो नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय बाय